सो गाइस, फाइनली ब्राइट की एंट्री हो चुकी है, जिसका आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइस, मैं आपके साथ में अपनी वेडिंग की सीरीज शेयर कर रही हूँ, और आपको पता है ना कि मैंने आपके साथ में हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शंस की वीडियो शेयर करी हुई हैं। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले से ही मैंने स्टार्ट करी ये सीरीज़, और फाइनली आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था हमारी वेडिंग वीडियो का, तो वो आ चुकी है, जिसमें मेरी मतलब ब्राइड की एंट्री है, और उसके बाद में जयमाल का भी पूरा वीडियो आएगा। तो मैं छोटे छोटे से वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर एकदम से लंबा वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, और फिर वो सीधे 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा, तो इतना ज़्यादा तो देखना आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो ये कुछ सीन्स वगैरह थे जो कि मतलब वीडियोग्राफर ने शूट वगैरह करे थे, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने इसमें म्यूज़िक वगैरह जो है वो सारा कुछ मैंने उसमें ऑफ करके रखा है, क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूब के रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपना म्यूज़िक नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी फुल गेटअप के साथ रेडी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं बारात के डांस के, और जिस तरीके से इनका मतलब घोड़ी पे चढ़े थे और बग्गी पे एक्चुअली, तो वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो यस गाइस, ये आ चुके हैं और बारात निकल चुकी है, द्वार चार भी हो चुका है, डांस वगैरह भी हो चुका है, सारा कुछ वीडियोस मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर करी हैं अपने चैनल पर। सो यस, और हाँ, आपने अगर हमारा लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख सकते हैं। कई सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे आज से नहीं 2 साल पहले से कि शिवी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो उस पर भी हमने वीडियो बना कर रखा है, तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिए। और डांस वगैरह का ये वीडियो है जो कि मैंने कुछ म्यूज़िक के साथ में भी इसको ऐड करा हुआ है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा ही। और तो चलिए, अभी शुरुआत होती है फाइनली ब्राइड की एंट्री की, कि किस तरीके से मेरी एंट्री हुई थी। और जो होता है ना, कई लोग अलग अलग तरीके से एंट्री करवाते हैं, तो मेरा तो कुछ ऐसा कुछ डिसाइड था नहीं पहले से, बट मेरे भाइयों ने प्लानिंग वगैरह करके रखी थी, और आप लोग को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि मेरी किस तरीके से एंट्री हुई थी। और बाकी जो भी मेरी भाभियाँ हैं, सिस्टर्स थी, वो सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यस गाइज, हेयर इज़ माई फाइनल लुक, और मेरा पूरा जो गेटअप था वो आपको दिख रहा होगा। कैसी लग रही थी मैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मतलब बारात तो जैसे लोग होता है ना कि बारात आने में लेट हो गई, भाई साहब बारात हमारी जल्दी आ गई थी। मेरे पतिदेव पहले ही आकर बैठ गए थे और मुझे ही आने में लेट हो गया था, क्योंकि मैं पार्लर में थी। मतलब सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मुझको लाना ही भूल गए थे। मैं पार्लर में अपनी सिस्टर के साथ में बैठी हुई थी, और ये स्टेज पर आ चुके थे, तभी भी मैं पार्लर में थी। फिर मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए गए और फाइनली फिर मुझे लेकर आए, तो ये बोल रहे थे ऐसे मजाक में मेरे से कि हाँ देखना, हम आपका वेट कराएंगे, आपको बहुत वेट कराएंगे, बारात काफ़ी तो लेट लाएंगे। बट ऐसा मतलब हो गया कि दुल्हन ही काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंची बारात में। बट हाँ, जो भी हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया था। और यहाँ पर आपको मेरी भाभियाँ वगैरह देखने के लिए मिलेंगी वीडियो में, प्लस मेरी सिस्टर्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि पूरी ही फैमिली होती है। यहाँ पर मेरे भाइयों ने मुझे गोद पर उठा कर रखा है। कुछ इस तरीके से ब्राइड की एंट्री हुई थी मेरी शादी में मेरी।
तो अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और पता है इनको भी, अगर आपने वीडियो में नहीं देखा कि इनकी एंट्री कैसे हुई थी, जाकर वीडियो में देखिए ज़रूर, इससे पहले जो मैंने अपलोड करा हुआ है। इनकी भी एंट्री कुछ इसी तरीके से हुई थी। मतलब मेरा वेट क्या है, उस टाइम पर ये बॉडी बिल्डिंग में करते थे तो इनका वेट काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पर देखिए मैं टीज़ कर रही हूँ इनको, और जो कैमरा वाला था वो उसने जूम करके इस चीज़ को दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं नोटिस करा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बैक में जाइए वीडियो को और फिर से उस सीन को देखिए। तो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी ये मेमोरीज जो होती है ना, सेव हो जाती है। हम ना क्या होता है कि जो हमारी डीवीडी होती है, सीडी वगैरह में होती है, वो हम नहीं देख पाते, बट हमारे फ़ोन में पड़ी होगी ना, तो जब हमारा मन करेगा तब हम इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला सॉन्ग ज़्यादा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा वादा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। सो आई लव दिस सॉन्ग गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कई बार इस सॉन्ग को मतलब सुन चुकी हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मेरा हाथ लेकर ही मेरे को ऊपर की साइड ले जा रहे थे, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी स्टेज पर आके बैठे हुए थे और फिर मैं लेट आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फाइनली यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और जो भी आगे का वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही है कि क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्वियसली हमारे जयमाल का वीडियो। तो जयमाल में जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह होंगे, मैं आपको सभी लोगों से मिलवाऊंगी, मतलब कि वीडियो के थ्रू। और यहाँ पर मेरे शक्ति भैया पीछे खड़े हैं, मेरी बहन अनुष्का वो है, मेरे देवर वगैरह भी पीछे खड़े हुए हैं, मतलब पूरे मतलब फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। अपनी शादी में इंजॉय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करा था, सारे फंक्शंस को, मेरे जितने भी कजन्स हैं बहुत पहले आ गए थे मेरी शादी में, तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनी हुई हैं। और मुझे मौका मिल रहा है आप लोग के साथ में शेयर करने का इन सारी वीडियोस का, क्योंकि आप लोग भी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आ गया है जब अपनी शादी की जो मेमोरीज है मेरी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को मेरी लाइक करके जाएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ तब तक आप लोग सीन्स वगैरह एंजॉय कर लीजिए वेडिंग के, जो भी फोटोग्राफर वगैरह लेते हैं। तो यही।